तो फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? हम यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसमें सबसे पहले पॉइंट पे बताया जाता है कि अपने चैनल पर कंसिस्टेंस रहिए, रेगुलर अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है? 95% यूट्यूबर यही मानते हैं कि हमें लगातार डेली कंटिन्यू अपने चैनल पर वीडियो पे वीडियो अपलोड करते चलना है। ये नहीं देखना कि अब उस हम जो वीडियो डाल रहे हैं उस पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस कंटिन्यू अपने चैनल पर वीडियो पे वीडियो अपलोड करते चलना है। तो फ्रेंड्स, इसका ये मतलब नहीं होता कि कंटिन्यू अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कंसिस्टेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी राय से बिल्कुल संतुष्ट होगे, आप मेरी राय से बिल्कुल सहमत होगे। तो फ्रेंड्स, जो यूट्यूब पर हमें बताया जाता है, जो हम वीडियो देखते हैं उनमें बड़े बड़े यूट्यूबर हमें बताते हैं कि कंटिन्यू अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कीजिए, तो फ्रेंड्स वो जो हमें बताते हैं वो तो खुद अपना चैनल ग्रो कर चुके होते हैं, अच्छी खासी अर्निंग वो अपने चैनल से कर रहे होते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि ये कोई बड़ा ये जो बड़ा यूट्यूबर हमें बता रहा है वो बिल्कुल सही है, उसी की बात बिल्कुल सत्य है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि हमें कंटिन्यू ही अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते चलना है। हमारे माइंड में ये बात जमकर बैठ जाती है कि जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हमें बताते हैं वही सच है। नहीं फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं होता। फ्रेंड्स, जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर अपनी वीडियो में हमें बताते हैं कि आप ये कीजिए, ये ट्रिक्स लगाइए, ये टिप्स लगाइए, वो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमें देते हैं और वो सब हम अपने चैनल पर करके देख लेते हैं, फिर भी रिजल्ट मिलता है हमें बिल्कुल जीरो। तो मेरे सभी व्यूवर्स जो इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अगर आपको भी अपने चैनल पर ग्रो करना है तो सिर्फ आपको एक ही काम करना होगा, दूसरा काम करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे मेन पॉइंट है कि जब हम वीडियो को क्रिएट करते हैं तो अपना जो कॉन्टेंट हम बनाते हैं उस कॉन्टेंट में इतनी जान लगा दो, इतना दम लगा दो कि देखने वाला उसको कंप्लीट वॉच करे, उसको देखने में मज़ा आए, उसको कुछ नॉलेज मिले, कुछ अच्छी जानकारी मिले, तभी आपकी वीडियो पर लाइक मिलते हैं और अच्छे व्यूज मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी के साथ रहने से कुछ नहीं होता। जब तक हम अपने कॉन्टेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं करते, अपने बोलने के स्किल्स में इम्प्रूवमेंट नहीं करते, तब तक हमारी किसी भी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज हमें देखने को कभी नहीं मिल सकते। तो फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि जब हम कंटिन्यू अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते चलते हैं, कि मान लीजिए आज से हमने काम स्टार्ट किया, आज हम कोई वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल रहे हैं, मान लीजिए कि आप फर्स्ट वीडियो अपने चैनल पर डाल रहे हैं कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, मान लिया कि आपकी पहली वीडियो है, आप बिल्कुल नॉर्मल सी बातें अपनी वीडियो में रखोगे, बहुत ज़्यादा उसमें एडिट करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी फर्स्ट वीडियो है, आपको इतनी जानकारी नहीं होती। और कंटिन्यू जब आप अपने चैनल पर काम करते चलते हो और अगर 2 या 3 महीने या 6 महीने बाद जब उसी टॉपिक पर दोबारा से वीडियो क्रिएट करते हो, तो आपको 2-6 महीने का या 3 महीने का जो नॉलेज है, जो आपने कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ अपने चैनल पर मेहनत की है, उसका रिजल्ट आपको उस वीडियो में मिलेगा। 3 महीने या 4 महीने में जो भी आपने नॉलेज गेन की है, उस पूरी नॉलेज को आप उस वीडियो में लगा दीजिए जो कि आपने फर्स्ट वीडियो बनाई थी और जो 3 महीने बाद क्रिएट कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, आपको दोनों वीडियो में बहुत ज़्यादा अंतर खुद ब खुद नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि आज हम फर्स्ट वीडियो क्रिएट कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पर, और अगर 6 महीने बाद उसी टॉपिक पर हम दोबारा वीडियो क्रिएट करते हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको बिल्कुल नज़र आएगा। फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है कंसिस्टेंस रहने से, क्योंकि अगर डे बाय डे आप 2 से 3 घंटे अगर यूट्यूब को देते हो, यूट्यूब पर अपना टाइम वेस्ट करते हो, अपने माइंड को खर्च करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ हर रोज़ नया सीखने को मिलता रहेगा और आप एक बेस्ट कंटेंट क्रिएट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, अपना कीमती समय अगर यूट्यूब पर आप 2 से 3 घंटे देते हो तो फ्रेंड्स आपको एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं भी ईश्वर से दुआ करता हूँ कि जो पूरी मेहनत और लगन के साथ यूट्यूब पर वर्क करता है उसको कामयाबी ज़रूर मिले। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।